नमस्कार दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इंजरी पर आई पहली गुड न्यूज, अब इस दिन कर सकते हैं मैदान में वापसी। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। वहीं दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ में महामुकाबला खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी इंजरी के कारण नहीं खेल सकेंगे। वह गुरुवार 26 अक्टूबर की शाम को हुए प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी नजर नहीं आए, जबकि दोस्तों को बता दे टखने की चोट के शुरुआत के अनुमान से अधिक गंभीर लग रही है। इससे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन अब उनकी लगातार अनुपस्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दोस्तों ऐसे में हार्दिक पांड्या 2 नवम्बर को मुंबई के वारखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी मिस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो 2 से 3 दिनों के अंदर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एक अच्छी खबर सामने आ रही है। फिलहाल दोस्तों टीम इंडिया उनके लिए किसी रिप्लेसमेंट या कवर का तलाश नहीं कर रही है। और दोस्तों हार्दिक पांड्या के बाहर होने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में थोड़ी असंतुलित नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों फिर भी उन्होंने टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक न्यूजीलैंड को हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में हराया। दोस्तों ऐसे में फैंस और टीम मैनेजमेंट चाह रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या जल्द से जल्द टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी कर ले, ताकि दोस्तों टीम इंडिया काफी मजबूत हो जाए। जबकि दोस्तों आपको बता दे हार्दिक पांड्या अभी टीम इंडिया के 2 मैच मिस कर सकते हैं। इस बीच विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ महामुकाबले से पहले नेट्स पर गेंदबाजी करते देखा गया, और हार्दिक पांड्या के ओवर के बीच में चले जाने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 3 गेंद फेंकी थी। हालांकि आने वाले मैचों में कोहली की थोड़ी अधिक गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ सकती है। और दोस्तों टीम इंडिया इससे पहले खराब स्थिति के लिए काफी तैयारी कर रही है। वहीं दोस्तों भारतीय टीमों के लिए इस मेगा इवेंट में सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट झटके, जबकि दोस्तों भारतीय टीमों ने शुरुआती 5 महामुकाबले जीती है। तो दोस्तों ऐसे क्रिकेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।